हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओला S1 Pro में। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए एक काफी शानदार वीडियो लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है प्रोक्सीमिटी लॉक और अनलॉक के ऊपर। तो दोस्तों ये जो इश्यू है ओला में वो अभी काफी सारे लोगों को फेस करने में आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि MOVOS 3 का स्टेबल वर्जन आने के बाद प्रोक्सीमिटी लॉक एंड अनलॉक 80% यूजर्स के काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसको आपका 100% श्योरिटी से उसका आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अपने ओला के सेल्स मैनेजर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि दोस्तों ये प्रोक्सीमिटी लॉक और अनलॉक 80% यूजर के काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को प्रोक्सीमिटी लॉक और अनलॉक को कैलिब्रेट करने के लिए हमें अपने मोबाइल फोन से ओला की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और उसे रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको इसे ओपन नहीं करना है एप्लीकेशन को, अब हमें अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है और अपनी स्कूटर को भी रीस्टार्ट करना है। दोस्तों रीस्टार्ट करने के लिए आपको पावर और रिवर्स वाला बटन 30 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो दोस्तों जब हमारी स्कूटी रीस्टार्ट हो जाएगी और हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा तो हमें अपने मतलब जो ब्लूटूथ है उसे अनपेयर कर लेना है, मतलब ओला से अनपेयर कर लेना है। फिर हमें एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें ब्लूटूथ को वापस अपने ओला स्कूटर से कनेक्ट करना है। ओला स्कूटर से कनेक्ट करने के बाद हमें प्रोक्सीमिटी लॉक एंड अनलॉक को रिकैलिब्रेट करना है। दोस्तों सुन लीजिएगा, हमें पहले ब्लूटूथ को मतलब अनपेयर करना है ओला स्कूटर और मोबाइल से, फिर हमें वापस कनेक्ट करके अपने प्रोक्सीमिटी अनलॉक को रिकैलिब्रेट करना है। तो दोस्तों रिकैलिब्रेशन का वीडियो आपको साइड में शो हो ही रहा होगा। और दोस्तों ये सॉल्यूशन करने के बाद अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे ओला स्कूटर में प्रोक्सीमिटी लॉक और अनलॉक काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसे हम 5 बार टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि 5 बार लॉक और अनलॉक हो पाता है क्या हमारे। दोस्तों अभी हमारे इस डिवाइस से हमारा प्रोक्सीमिटी लॉक एंड अनलॉक इस स्कूटर के साथ एक्टिवेट है। तो दोस्तों हम 5 बार ट्राई करने वाले हैं, 5 बार अनलॉक और 5 बार लॉक करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों कितनी बार वर्क करता है और कितनी बार नहीं। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पास आते हैं।